अब क्या स्टैंड अप करने का हट कितना कॉमेडी करेंगे अर्चना जी साला सब कॉमेडी खत्म हो गई अब एक एक पंच दो दो बार बोल चुके हम लोग आपको तो मालूम ही है अरे ऐसा हाल हो गया है कि अब तो अपने घर के बाहर मैंने नेम प्लेट पे भी नाम चेंज करवा दिया पहले लिखा था कृष्णा अभिषेक शिमला वाले अब लिखा है कृष्णा अभिषेक पंच फोड़ने वाले इतनी कॉमेडी हो गई मैंने सोचा था साला ये रियलिटी शो है लेकिन ये तो डेली सोप निकला एक तरफ एक ससुरा बैठा रहता है एक तरफ एक चचिया ससुरा एक तरफ एक बा है और भांजे वांजे कॉमेडी कर रहे मैं तो सच्ची बता रहा मैं ये शो छोड़ के चला जाता लेकिन शुक्र मनाओ सालो कि बाहर हमें कोई काम नहीं दे रहा इसीलिए मैं अब हिरन बेदी जी है आएंगी कमाल की कैरेक्टर अर्चना जी ये बहुत लोगों के केस सॉल्व करती है कमाल कमाल का अभी डॉली आई थी कहती है ये कालिया साहब का बच्चा है हिरन जी ने 5 मिनट में केस सॉल्व कर दिया कहती है मुझसे नहीं होगा पहले बिजली का कनेक्शन तुम लेकर आओ जब शॉर्ट सर्किट हो तो साला हम तुम्हारी मदद करें खैर हिरण जी आती होंगी आज पता नहीं कमाल का कैरेक्टर है बहुत हेलो कौन बात कर रहे चिंता मत करो आप मैं बैठी हूँ हाँ और तो जब जब दिक्कत हुई मैं अनशन पे बैठी हूँ कोई छोटी बात नहीं है हाँ, चिल्ला नहीं रही प्यार से बात कर रही हूँ आपसे बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हाँ, आप परेशान में तो क्या अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं मैं कह रही हूँ ना आप परेशान क्यों होते हैं मैं करती हूँ सारे काम मैं खुद करूंगी और इस बार मैं अनशन पे जाकर ना 3-4 बार बीच में कुछ खा के भी आऊंगी पिछली बार कुछ खाया नहीं था इतना पतला पेट हो गया पेट की नाभि रीढ़ की हड्डी को छू रही थी ठीक है अरे प्यार से बात कर रही हूं क्या हाल है साहेब बकवास मत कर साहब कौन है इधर अभी से बात करो अब जब बिल्ली को बाल लगाकर बब्बर शेर बनने का शौक है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बकवास नहीं कर रही छाती के बाल उखाड़ के नाक में घुसड़ दूंगी बदतमीज कोई फायदा नहीं मैडम मैं ऑलरेडी नाक से घुसेड़ के छाती पे लगा चुका हूँ हेलो बकवास कर चाय लेकर आ मेरी चाय नहीं मिल सकती क्यों नहीं मिल सकती वो भैंस जो दूध देती थी अब उसने दूध देना बंद कर दिया है अबे तो किसी और भैंस के दूध की चाय पिला दे अब एक चाय के लिए मैं किसी भैंस के साथ फिर से अफेयर नहीं कर सकता तेरे को मैं पैसे देती थी ना पैसे दी थी ना अफेयर क्यों चलाता भैंसों के साथ अरे जब जब प्यार से काम चल रहा है तो पैसे देने की क्या जरूरत है अच्छा भला 2-4 मीठी बातें करता था सर सहलाता था पर्र से दूध दे देती थी बदतमीजी की बात मत क्या कर नाश्ते में क्या है नाश्ते में क्या लेंगे आप भोले चटूरे क्या भोले चटूरे भोले चटूरे भोले चटूरे तो नहीं है ढोसा लामोसा चाहिए आपको तेरा ढोसा लामोसा कहाँ मिलता है वहीं जहाँ आपके भोले चटूरे मिलते हैं दबा जा गेट आउट कोई अच्छा सा केस हो तो लेकर आ अभी क्यों रो रही है आपको क्या मतलब आप जाके अपना डांडिया खेलो अबे मैं फाल्गुनी नहीं हूँ डांडिया खेलो बदतमीज अरे मैं आपको ही ढूंढ रही थी मैं बर्बाद हो गई हूँ मेरा केस कोई सॉल्व नहीं करता मैं जिस जज के पास जाती हूँ कहते तू पागल है कोई अपने जैसा जज ढूंढ मैं आपके पास आएगी क्या करने आए कौन हो तुम आपने मेरे हाथ पे ये दिया दे के पहचाना नहीं मैं कौन हूँ कल को हाथ में गदा लेके घूमेगी तो दुर्योधन समझेगी उतरे को बकवास कर कौन है तू मैं पार हूँ पार बकवास नहीं करनी जैसा तेरा गेटअप है ना किसी सिग्नल पे जाके बन मैं पार हूँ मेरी शादी हो गई है देवदास मुझे रोज तंग करता है मीरा रोड आके तंग आ गई हूँ मैं चलो मेरा पीछा करता रहता है पारो 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 साला पारो पे मालूम मैंने कितना पैसा खर्च दिया साला यही पैसा मैं बचा के रखता ना कम से कम मेरा जंगल में एक बंगला होता खुद का भले ही मुझे किसी जज के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती अपनी अपनी किस्मत होती है बहुत मैं बच गया परमी फंस गया किसी बात कर रहा तू किसी बात कर रहा है चुप अंदर दारू पी के घुसा कैसे तू तेरे को क्या लेना देना तू जाके अपना डांडिया खेल अबे मैं फालतू नहीं हूँ तो कौन है आप भाई साहब थप्पड़ मारूंगी भाई साहब क्या होता है जब बिल्ली को बाल लगाकर बब्बर शेर बनने का शौक होता है ना तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बकवास नहीं कर रही मेरे से अभी यही पंच मेरा सफाई वाला बोल के गया तेरा ऐसा गेटअप है ना सफाई वाला क्या चाय वाला रिक्शा वाला भालू वाला आलू वाला यहाँ तक कि साजिद खान का हिम्मत वाला भी होगा ना वो भी तेरे को यही बोलेगा
मुझसे बहस की ना मैं घूंसा मार के नाभी फाड़ दूंगी, समझ में आ गई? बदतमीज इंसान, तेरे जैसे बहुत आदमी मेरे पास, कैसे बात करते, कैसे बात करते, कैसे? इसे बैठती थी। हाँ। तेरे को मालूम मैं वे पहले पुलिस में भर्ती होने वाला था। तो हुआ क्यों? हुआ क्यों? क्या फायदा? रोज ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में मैं खुद ही पकड़ा यार। बहुत ही घटिया जोक था। क्या क्या क्या? घटिया जोक था। बोला था राइटर को मैंने। अब लिख के देते साले ससुरे, हम क्या कर सकते। ए मैडम देख लो, पर्वतों से ये टकरा गया, मैंने आवाज नहीं, फिर भी ये आ गया। हट पीछे। ए बकवास बंद कर। मैंने कुलटन को एक दिन गाड़ी गिफ्ट की, कहती है नहीं मेरे को नहीं अपने बाबूजी को दो। वो बाबूजी कहते रहते ना घर छोड़ दो घर छोड़ दो, अब खुद की गाड़ी में जाएंगे घर पे, ऐसा बोलती। फिर मैंने एक दिन इसको एक रिंग भी दी थी वैलेंटाइन पे, अगले दिन मैंने पूछा रिंग किधर है, बोलती है वो माँ को पसंद आ गई, माँ ने रख ली। अच्छा, मैंने कहा अब नाइटी लाया हो, ये भी अपनी माँ को दे देना। फिर एक दिन सिंदूर भी तेरी माँ के मैं भर दूंगा, शादी भी माँ से कर लूंगा। फिर जीजू जीजू बोलती फिर ना मेरे प्यार करती नहीं हो मुझसे। मैं भी आनी कहती, मैं भी आनी कहती, देखो मैं भी आनी कहती, मैं भी आनी कहती नहीं कर। तेरी इसी शराब की वजह से नशेड़ी 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 नशा करके मैंने कौन सी तेरी बहन छेड़ी दी। अच्छा काफिया मिलता है, ए छेड़ी मेरी बहन को छेड़ के देख, एक दिन ऐसा छिड़ेगी ऐसा छिड़ेगी, उतनी उल्टियां तो दारू पी के नहीं करता जितनी वो हर साल करेगी। चुप घटिया औरत, देखा खामोश खामोश खामोश, अगर मेरे बारे में एक भी बात की तो मैं भून के रख दूंगी, खामोश। ये क्या कर रही है तू? क्योंकि आज से हम दोस्त नहीं, मैं तेरा शत्रु हूँ, खामोश। शत्रु? ये तो शत्रु है, इसका बाप इतना बड़ा फुंतरू है ना, मैं क्या बोल। शादी की बात कर रही है, कहते हैं हम लोग बहुत रईस लोग हैं, हमने अपनी बेटियों को रानियों की तरह पाला हुआ है। फिर कहते 30 रुपये मिलेगा मोबाइल मेरे को रिचार्ज करवाने। मैं साले तेरे को शर्म नहीं आती है? अपने दामाद से 30 रुपये मांगते, कहते हैं तू कुछ भी नहीं, इससे पहले जो लड़का आया था ना उसने तो चप्पल और बनियान मांग ली थी मैंने। इसकी माँ की कहानी बताता हूँ मैं। अरे उसकी माँ ने मेरे को खाने पे बुलाया, टेबल पे से और खाना लगाया, रोटी के ऊपर से ना चूहा भाग के गया। मैं अच्छी ची ये वाली रोटी मैं नहीं खाऊंगा, कहती खा ले क्या प्रॉब्लम है, चूहे ने कौन सी चप्पल पहनी हुई थी। ऐसी बात करती तेरे को क्या लेना देना, तू जाके अपना डांडिया खेल। अबे मैं आज सुनी रही हूँ, ये देखो आपकी जेब नहीं मेरी कितनी बेइज्जती कर रहे, मेरे खानदान की कितनी बेइज्जती कर रहे। जैसी तेरी शक्ल है तेरा खानदान ऐसा हो भी सकता है? मैं बता दूं बदतमीजी, मैं औरतों के खिलाफ अनशन कर देती हूँ, ऐसे ऐसे अनशन कर देती हूँ। मैं भी एक दिन अनशन पे बैठने वाला था। बैठा क्यों? बैठा क्यों? क्योंकि दारू पीने के बाद मेरे को खाना चाहिए। तू यहाँ अचानक क्यों आएंगे? अचानक क्यों? एक बात सुन लो, इस दुनिया में कोई भी लड़की हो, कहीं पर भी हो, स्टेज पे या इस दुनिया में, वो कहीं भी अचानक ही आती है, लड़कियों की कहीं भी प्लानिंग नहीं की जाती। लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा कोल बठावे, तिन सीने लावे तिन कोल बठावे, अजो जो हनी सिंगर। चुप। कैसी हरकतें कर रही है? अभी प्रशांति नाच रही है यहाँ पे। अरे ऐसी हरकतें करती रहती है तभी मैं इससे आ रहा हूँ। अरे तालू की लत लगे वालों, मेरे वो इतना प्यार करता था, सारा दिन घर में चिल्लाता रहता था पारो पारो पारो, लोग सोचते थे दारू दारू दारू। देखो बट ए इससे अच्छी तो मेरी चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। ओ कौन चंद्रमुखी? अब ये मेरी कहाँ से आ गई? ए बकवास करिए, चुप। तू चुप रह, जाके डालिया खेल, चल निकल। अबे मैं तेरे मैम फाल्गुनी नहीं हूँ, नहीं हूँ फाल्गुनी मैं। तो मैं भी उपली हुई मेरी नहीं हूँ, समझी तू? बकवास कर रही है, मैं अपने देव बाबू की चंद्रमुखी हूँ। तू चंद्रमुखी है? तू चंद्रमुखी है? ये जो मेरे देवदास को कूगी। बकवास बंद कर, तेरे को मालूम है चंद्रमुखी ने मेरा कितना साथ दिया है?
इसने साथ दिया है। इसके अपनी बॉडी फंक्शन तमीज से साथ नहीं दे रहे। बीच में नाक लग रही तो आंखें टकरा के गिर जाए इसकी। खबरदार, जो एक भी लफ्ज कहा तो मेरी। चुप करो। आपने देखा कितनी बकवास कर रहा है आपके साथ अंकल जी। आप इस थप्पड़ मारूंगा अंकल जी को। नहीं ए, क्या बकवास कर रही है तू? आप माना मेरी याद आप सब लोग मरते हैं लेकिन मैंने आज तक बहन। वैसे पेट बड़ा। देवा तुम्हें पहले भी प्यार करता था और आज भी करता है। मैं जानती थी कि तुम इसको दारू नहीं पिला रहे, दमे की दवाई पिला रहे हो ना। तुम ठीक हो जाओगी बहन। बदतमीज लेकिन बहुत आई है, इसको कोई तमीज नहीं। ए गंजी, चल जा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में डांडिया हो रहा जाके खेल। चल जा डांडिया 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 ले, मैं खेलती हूँ। बजाओ बजाओ।